हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिट्टू वेल टेक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह की फ़ोटो को कुछ इस तरह कैसे एडिट कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कुछ इस तरह के पिक्सार्ट मैनिपुलेशन के बारे में तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप करते हो या मिस करते हो तो गाइस आपकी पूरी एडिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और वीडियो को स्किप करके मत देखना। सो गाइस, टाइम वेस्ट के बिना चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड उसके बाद गाइस, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन से सारे फुटेज डाउनलोड कर लेने हैं जो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पीएनजी यूज करूंगा। ओके, आपको सिंपली प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको एडिट अ फोटो पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे गाइस, मैं सबसे पहले बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेने के बाद गाइस आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। एंड ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फायर की एक पीएनजी को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह। एंड इसके बाद गाइस आपको इसे ब्लेंड पर क्लिक करके स्क्रीन पर ब्लेंड कर देना है। फिर गाइस इतना करने के बाद आपको सिंपली टिक के ऊपर क्लिक करना है। एंड फिर आपको ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको ये रेड कलर का ओवरले ऐड करना है। एंड आपको इसे स्क्रीन पर ब्लेंड कर देना है। तो हम सिंपली ब्लेंड पर क्लिक करके इसे भी स्क्रीन पर ब्लेंड कर देते हैं। फिर गाइस हम सिंपली टिक कर लेते हैं। टिक कर लेने के बाद गाइस हम सिंपली फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। एंड ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद गाइस अब हम यहां पर फिर से अपने मॉडल को ऐड करेंगे। तो गाइस यहां पर मैंने मॉडल के फोटो को कुछ इस तरह ऐड कर लिया है। एंड ऐड कर लेने के बाद मैं मॉडल की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं। ओके, इतना करने के बाद गाइस मैं सिंपली टिक पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड टिक पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली फिर से ऐड पर क्लिक करता हूँ। एंड फिर से ऐड पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से गाइस एक और फायर की पीएनजी लेता हूँ। एंड इसे मैं जूम करके इसे भी ब्लेंड कर देता हूँ कुछ इस तरह स्क्रीन पर। ओके गाइस, स्क्रीन पर ब्लेंड करने के बाद गाइस मैं सिंपली फिर टिक पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड फिर मैं ऐड पर क्लिक करके एक विनेट की पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस विनेट को कुछ इस तरह लगाया है। एंड इसे लगाने के बाद गाइस मैं फिर से टिक करता हूँ। एंड फिर से गाइस मैं यहाँ पर एक और फायर की पीएनजी ऐड कर देता हूँ। एंड इसे मैं कुछ इस तरह स्क्रीन पर ब्लेंड कर देता हूँ। ब्लेंड कर देने के बाद गाइस मैं इसे नीचे की तरफ कुछ इस तरह कर देता हूँ, जिससे कि जो फायर का पार्ट है वो ज़्यादातर नीचे ही रहे। ओके, एंड इसके बाद मैं सिंपली टिक पर क्लिक कर ले लेता हूँ। एंड इसके बाद गाइस मैं फिर से ऐड पर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पर अब मैं वाइट पीएनजी ऐड करूँगा जो होगी लाइट की। तो लाइट की पीएनजी को हम सिंपली क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। एंड ऐड कर लेने के बाद गाइस हम फिर से इस पर टिक कर लेते हैं। एंड फिर से अब हम एक बार मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। एंड मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। एंड आपको फिर से मॉडल के ऊपर इसे रख देना है कुछ इस तरह। एंड गाइस फिर आपको टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद गाइस आपको फिर से ऐड पर क्लिक करना है। एंड आपको फिर से वो ब्लैक वाली पीएनजी को ऐड करना है विनेट की तरह जो है। एंड आपको इसे मॉडल के आगे लगा देना है। फिर आपको टिक कर लेना है। फिर से गाइस आपको ऐड पर क्लिक करके फायर की पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद गाइस आपको इसे स्क्रीन पर ब्लेंड करके कुछ इस तरह जूम कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे सिंपली टिक पर क्लिक कर लेना है। एंड फिर गाइस आपको फिर ऐड पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अब आपको ऑरेंज कलर की एक लाइट की पीएनजी दी हुई है, तो आपको उसे फुल स्क्रीन पर लगा लेना है। एंड आपको इसे स्क्रीन पर ब्लेंड कर देना है। ओके, कुछ इस तरह। उसके बाद गाइस आपको सिंपली फिर टिक पर क्लिक कर लेना है। एंड फिर आपको ऐड पर क्लिक करना है। एंड ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस ऑरेंज कलर की लाइट की पीएनजी को ऐड करना है। एंड आपको इसे ऊपर की तरफ कुछ इस तरह लगा देना है। इसको लगाने के बाद गाइस आपको सिंपली ब्लेंड पर क्लिक करके इसे स्क्रीन पर ब्लेंड कर देना है। फिर गाइस आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर लेना है। टिक पर क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको ऐड पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको शिव भक्त की एक टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करना है। एंड आपको इसे कुछ इस तरह फुल स्क्रीन पर लगा देना है। उसके बाद गाइस आपको सिंपली एडजस्ट पर क्लिक करना है। एंड क्लैरिटी पर क्लिक करके आपको इस टेक्स्ट की क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। एंड फिर गाइस आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं दो बार टिक कर लेता हूँ। एंड टिक कर लेने के बाद गाइस आपको सिंपली टूल पर क्लिक करना है। एंड गाइस फिर आपको कर्व्स पर क्लिक करना है। एंड आपको ऊपर की तरफ एक डॉट लगाकर इसे और ऊपर की तरफ कुछ इस तरह बढ़ा देना है।
एंड फिर गाइज आपको रबर पर क्लिक करना है एंड फिर आपको इन्वर्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है एंड ऑपेसिटी और हार्डनेस को बहुत कम कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑपेसिटी को 33 रखा है एंड हार्डनेस को 29 रखा है एंड यहाँ पर मैं साइज को रख रहा हूँ 41। उसके बाद गाइज आपको कुछ इस तरफ पेंट करना है जैसा कि मैं भी आपको पेंट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सिर पर करना है, फिर आपको नोज पर एक लाइन करनी है, फिर गालों के ऊपर एक दो बार करना है, फिर आपको माउथ के नीचे करना है कुछ इस तरह एंड इसके बाद आपको ड्रेस के ऊपर कुछ इस तरह करना है। ड्रेस के ऊपर गाइज आपको दो तीन लाइन बनाने हैं जैसा कि मैं अभी लाइन बना रहा हूँ एंड उसके बाद गाइज आपको हैंड के ऊपर बीच में कुछ इस तरह पेंट कर देना है जिससे गाइज थोड़ा और ज़्यादा रियलिस्टिक फील आ जाएगा। ओके, उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर लेना है एंड टिक पर क्लिक कर लेने के बाद मैं फिर से एक बार टिक पर क्लिक कर लेता हूँ एंड अभी गाइज यहाँ पर हमारी फ़ोटो अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है एंड इसके बाद आपको सिंपली इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सिंपल फिल्टर अप्लाई करना है जिस फिल्टर का नाम है ISL 1। तो आपको यही फिल्टर गाइस अप्लाई करना है एंड फिर गाइस आपको इसकी फेड को 48 करके सिंपली इसे टिक कर लेना है एंड इसके बाद गाइस आपको इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपकी फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि आप कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही और भी फोटो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।